माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा चल रही है पूरा देश इसके ऊपर कि किस प्रकार से कौन से देश से कितनी कंपनियां खोली जाती है, मैं प्रारंभ में ही कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। मैंने थोड़ा अध्ययन करने का प्रयत्न किया तो इस विषय में ये जो कंपनीज है, यह जो ग्रुप है, अध्यक्ष महोदय 28 कंट्रीज, 28 देशों के नाम इसमें आए हैं। और नंबर ऑफ कंपनीज इफ विल गो इन डिटेल, टिल नाउ आई कुड गो अप टू 436 कंपनीज। मुझे तो लगा कि मैंने वापस पीएचडी करनी चाहिए। हाँ सेकंड, मैंने पहली जो पीएचडी की मुंबई यूनिवर्सिटी से, और उसमें मेरे गुरु मुंबई यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ कॉमर्स के देवलन करते हैं। अब की बार अगर पीएचडी करनी होगी तो मुझे कार्ति चिदंबरम को मेरा गुरु पसंद करना पड़ेगा। सौगत राय जी, इफ आई ब्लेम देन आई कांट टेक नेम। मैंने कार्ति चिदंबरम या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। अभी तो आगे डिटेल आप सुनते जाना, अभी तो ये शुरुआत है। मैं आपको भी गुरु बनाने तैयार हूं यार। यस प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं एक पत्र से शुरुआत करूंगा जो मुझे आया था। किरीट जी प्लीज। डियर डॉक्टर सोमैया जी, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड सो एंड सो अबाउट सो एंड सो कंपनी। आई एम इंक्लूडिंग हियर विद द डिटेल रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। और ये पत्र जो है, दिस लेटर आई रिसीव्ड फ्रॉम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार। और ये पत्र के साथ में एक डिटेल रिपोर्ट है, उसमें से दो चार ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ूंगा। मेघवाल जी, आपका ध्यान चाहूंगा। अ रिपोर्ट फ्रॉम एनआरएचएम हेल्थ मिनिस्ट्री सेज दैट, आई एम कोटिंग द रिपोर्ट विच हैज बीन सेंट टू मी बाय द हेल्थ मिनिस्टर, ह्यूज सम्स ऑफ मनी हैव बीन रिपोर्टेड टू बी एम्बेजल्ड साइफंडो फ्रॉम द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ट्रेजरी। इट हैज बीन फाउंड दैट अगेंस्ट द ट्रिप ऑफ एम्बुलेंसेज 37,458 इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, द कंपनी चार्ज द बिल टू 55,326 ट्रिप्स। एम्बुलेंस पैसेंजर को लाना ले जाना, आगे उन्होंने दिया है, आगे उन्होंने बताया कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड, अनदर एग्जाम्पल ऑफ बोगस स्कैंडलस बिलिंग, एन एम्बुलेंस शोन एज कैरिड, इनको तो अवार्ड देना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ बोगस स्कैंडलस बिलिंग एन एम्बुलेंस शोन एज कैरिड 243 पेशेंट इन अ सिंगल डे, इन वन डे। ये एम्बुलेंस से 243 पेशेंट को उनके गांव से, उनके घर से अस्पताल ले गए। अध्यक्ष महोदय, ये जो पत्र जो मुझे आया है उसकी तिथि है जनवरी 14, 2013।
यानी सौगत राय जी के मन में कोई शंका न रहे कि ये जेपी नड्डा ने भेजा है। पहले का मंत्री थे माननीय, अभी मैं नाम बोलूंगा क्योंकि आपने पूछा, गुलाब नबी आजाद, और यह कंपनी के मालिक का डायरेक्टर का नाम है कार्ती चिदंबरम। ठीक है, अच्छा ही लाइन में तो मेरा चेहरा दिख रहा है, बोला कि ईरान का भाषण है। यस किरीट जी, अध्यक्ष महोदय, ये एक उदाहरण है कि इसमें अनेक इस प्रकार की, और ये रिपोर्ट जो मुझे गुलाम नबी आजाद ने भेजा है वो राजस्थान सरकार से प्राप्त किया, और उसके पश्चात इस कंपनी के ऊपर सीबीआई ने अभी कंप्लेंट फाइल की। मुझे एक बात का दुख इस बात का होता है कि आप 28 देशों में घूमते हो, कुल मिलाकर 437 कंपनीज के द्वारा घोटाले करते हो, लेकिन उस गरीब इंसान को, गांव का जो गरीब व्यक्ति है जिन माता भगिनी के लिए एम्बुलेंस सर्विस सेवा शुरू की, उसमें भी इस प्रकार से घोटाले, वो जो गरीब व्यक्ति है, 7 साल का बेटा, रक्त पे एक्सीडेंट होता है, उसको 108 एम्बुलेंस नहीं मिली उस समय पर, क्योंकि कार्ति चिदंबरम की कंपनी सब पेपर पे एम्बुलेंस दिखाती थी। और फिर ये एक ही देश, एक ही राज्य में नहीं, राजस्थान, हिमाचल, केरला, कितने राज्यों में इस प्रकार से। सिर्फ यहां नहीं, और रिपोर्ट है दिया है उन्होंने, द अराइवल टाइम ऑफ द एम्बुलेंस ऑन साइट इज शोन बिफोर द टाइम ऑफ रिसीविंग फोन कॉल। ये डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, ये डिजिटल इंडिया वह उस समय की सरकार ही कर सकती है कि व्यक्ति बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, फोन कॉल आया, उसके पहले एम्बुलेंस पहुंच गई। आप देखो ट्रिप नंबर 85,078, 3rd September 2011, कॉल टाइम 2:26 AM, यानी 2:26 AM यानी रात को, और ऑन एम्बुलेंस अराइवल टाइम 2:20 AM। अनदर ट्रिप 89,659, 5 September 2011, कॉल टाइम 12:41 यानी दोपहर को 12:41, एम्बुलेंस पहुंची 11:20 को। अध्यक्ष महोदय, अब जाकर सीबीआई ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और सीबीआई ने अभी ये कोई हमारे अरुण जेटली ने या जयंत सिन्हा जी ने नहीं, सीबीआई ने जो एफआईआर फाइल की, उस एफआईआर में सीबीआई ने जिन लोगों के नाम लिखे वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उससे सीबीआई ने लिखा है, सचिन पायलट, कार्ती चिदंबरम, रवि कृष्णा, अभी रवि कृष्णा का परिचय दे दो, उस समय के जो मंत्री थे वायलर रवि, उनका सुपुत्र श्वेता मंगल, आप बता पाएंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता की लड़की। अध्यक्ष महोदय, और इस कंपनी में वाई आई एम स्टार्टिंग मेहताब जी, नाउ आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, इस कंपनी में जो डायरेक्टर है उसके तो नाम मैंने पढ़ के सुनाए, अब शेयर होल्डर्स के नाम हम पढ़ लेते हैं। जो आपने अभी जो स्टार्टिंग में जो कंपनियों के नाम काउंट किए थे ना, अध्यक्ष महोदय, इसमें जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, एक का नाम है ग्रांड ग्लोबल इंपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अकमेन फंड, द अकमेन फंड
इज द सेम विच यू हैव रेड ड्यूरिंग योर स्पीच, जो आपने जो इतने सारे इन्वेस्टर्स गिनाए थे उसमें था ग्लोबल मेडिकल रिस्पॉन्स, एक्मेन कैपिटल मार्केट, एक्मेन फंड, यह कंपनी ये चिकित्सा हेल्थ केयर की मालिक है। और यह जो कंपनियां जो है, यह कंपनियां माननीय जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी कुछ दिन पहले जो रेड डाली, जिसके ऊपर अभी हम 193 में चर्चा कर रहे हैं, वह कंपनियां जिसके ऊपर रेड डाली, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिसके ऊपर एफआईआर में नाम फाइल हुए, वह कंपनियां ये चिकित्सा हेल्थ केयर की मालिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगा कि वास्तव में जयंत सिन्हा जी, आप लोग एक भ्रम में हो। इनको लग रहा है कि स्टार्टअप हमने किया, द स्टार्टअप इंडिया कैंपेन। वास्तव में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन तो कार्ति चिदंबरम ने किया है। अ ग्लोबल पर्सनालिटी हैविंग इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन मोर देन टू डजन कंपनी, और कंपनियों के नाम आप पढ़ोगे ना, आई एम नॉट एबल टू, मुझे मैं तो अभी भी उच्चार कर नहीं पाता हूं, डजन ऑफ कंपनीज, और कैसे कैसे नाम है, हेल्प करोगे। एक नाम है जेंडुअलिएट एंटरप्राइजेस, क्या स्पैनिश कंपनी। दूसरा नाम है, वो तो आपने कहा मुझे, इसलिए मैंने जरा वेलिंगामा। तीसरा एक नाम है अर्टेवा, एक है स्टेन एंड एसोसिएट, एक है ग्रेविटास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और कौन से देशों में घूमे हमारे महाशय, लंदन, दुबई, साउथ अफ्रीका, फिलीपाइंस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, और मेहताब जी का पैट ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशियस, बट यू फॉरगॉटन द नेम ऑफ मॉरिशियस, मॉरिशियस, फ्रांस, मनीला, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्पेन, साउथ अफ्रीका, समरसेट, और टाइप ऑफ बिजनेस, ओ हो। इसलिए मैंने कहा आप खामों का भाव खाते हो कि स्टार्टअप इंडिया आपने स्टार्ट किया, मेक इन इंडिया एंड ग्लोबल इंडिया तो इन्होंने किया है। द बिजनेस एंटरप्राइजेस मीन द टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। यू आर ऑल्सो अननेसेसरी ब्लेमिंग अ पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु, यू शुड फील प्राउड फॉर हिम। टू डजन टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, एम्बुलेंस रनिंग, एम्बुलेंस से लेके एयर एम्बुलेंस तक, यानी रिसोर्ट हायर करना, रेस्टोरेंट, होटल, इन्वेस्टमेंट कंपनी, वाटर फ्रंट, मैंने तो कभी आज तक दारू पी नहीं है, वाइन फार्म, और उसमें लिखा है इनका जो ये है वो तो एकदम वर्ल्ड फेमस है, चका चकी। वाइन फार्म के साथ में स्टड फार्म भी है यादव जी, आपका आपका काम वो है घोड़े का फार्म। प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और साथ में सॉरी सुप्रिया दे, सीसीडी बनाए, काफे कॉफी डे भी है, तुम कॉफी पीने भी जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एंटरटेनमेंट कंपनी, टेलीकॉम बिजनेस, फिर टेनिस लीग एक्वायर कर। यस प्लीज यू कंटिन्यू। आई ऑल्सो नो मैडम,
अध्यक्ष महोदय मुझे भी रूल पता है, मैंने तभी आपसे प्रार्थना की थी कि मैं प्रश्न के ऊपर उप प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सुबह में मिस कॉट किसने किया? मिसकोटेड माई महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर टुडे मॉर्निंग एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू लर्न मी टीच मी द लेसन। जो आप बोल रहे अभी कि सब रूल्स वायोलेशन किया जाते मॉर्निंग क्वेश्चन आवर में प्रश्न पूछते समय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिसकोट किया गया और वो हमको कहते हैं ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय अब मैं आता हूं एयरसेल मैक्सिस के ऊपर। अरे तो मुझे क्यों इस प्रकार का सवाल किया उन्होंने? यस श्री सोमैया जी, तो ये क्या बात करने का तरीका है क्या? सुप्रिया जी आप भी कुछ मत बोलो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, प्लीज देखिए यस किरीट जी केक यू एड्रेस टू चेयर अध्यक्ष महोदय आप मैक्सिस के केस के ऊपर आते हैं। जो एफआईपीबी में जो मेहताब जी ने जो कहा कि एफआईपीबी ने कहा एफआईपीबी के रूल्स गाइडलाइन, माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि एफआईपीबी की गाइडलाइन क्या है? क्या 600 करोड़ ये सीलिंग है क्या? 600 करोड़ की सीलिंग के ऊपर अगर टुकड़े टुकड़े में कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है क्या? उस समय के जो भी मंत्री थे उन्होंने एफआईपीबी अपने संबंधित व्यक्ति को एकोमोडेट करने के लिए एफआईपीबी की गाइडलाइन का वायोलेशन किया क्या? आज जब कोर्ट से लेकर बाकी सब जगह पर यह विषय की चर्चा होती है तो संसद यह जानकारी चाहती है कि 2006 से 2014 एफआईपीबी की गाइडलाइन क्या थी, वेदर देर वॉज अ सीलिंग फॉर 600 करोड़, वेदर देर वॉज एनी प्रोविजन कि इसको बाईपास करने के लिए भले 3500 करोड़ का सौदा हो लेकिन उसको 600 करोड़ का सौदा करके मंजूरी देना फिर 3500 करने की छूट देना, इसमें तो कोई का कोर्ट का सवाल नहीं आता है। हम यह जानना चाहते हैं कि स्वयं मंत्री महोदय अगर उनके संबंधित उनके परिवार के संबंधित इंटरेस्ट जिस ट्रांजैक्शन में था क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संसद को राष्ट्रपति को यह बात बताई थी क्या? अगर उनको यह इंटरेस्ट था तो उन्होंने यह बात कोर्ट के सामने बताई क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि जो एयरसेल मैक्सिस डील के कारण जो जिस प्रकार का 2006 से 2014 तक मेरे साथी सहयोगी हमारे वेंकटेश जी जो 2G टेलीकॉम की बात बता रहे थे, ना एवरीबडी नो व्हाट इज 2G टेलीकॉम, ये तो अखबार में भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उस संबंध में सीए जी ने भी कहा, हाउ लेयर वर क्रिएटेड, यानी ये बेनिफिशियरी है और ये दूसरा बेनिफिशियरी, ये गवर्नमेंट इसको बेनिफिट देती है और वह गवर्नमेंट के व्यक्ति को चार लेयर करके बेनिफिट दे रहा है। दिस इज द कंपनीज, द लेयर ऑफ कंपनीज, द फ्रंट कंपनीज, सेल कंपनीज वर क्रिएटेड। क्या संसद ने इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या देश का पैसा है? उन्होंने 2006 प्लीज प्लीज किरीट सोमैया जी एड्रेस 2006 से 2014 इस प्रकार की कितने सी द इश्यूज, नॉट ओनली एयरसेल मैक्सिस, एयरसेल मैक्सिस ये तो वहां तक हम पहुंच पाए, इश्यू चिकित्सा हेल्थ केयर एम्बुलेंस के नाम पर गरीब मरीजों को लूटना नहीं है इश्यू है, इस प्रकार के घोटाले जिन्हों जिन्होंने किए हैं वो मॉडस ऑपरेंडी हम समझे और मॉडस ऑपरेंडी समझकर हमने उस समय पर इस प्रकार के और जो भी घोटाले हुए होंगे वो पर्दाफाश करना चाहिए, वो पैसा रिकवर करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर वेंकैया जी आपने मंत्रिमंडल में इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि उस समय पर हजारों करोड़ रुपया इस प्रकार से सेल कंपनीज और इस प्रकार से लेयर्स बना के बाहर चले गए हैं। तो द कैबिनेट मस्ट टेक अ डिसीजन, द कैबिनेट मे टेक कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट इन टू कॉन्फिडेंस कि वाई ओनली मैं एयरसेल मैक्सिस, जिन्होंने इस प्रकार से वाई ओनली 2G टेलीकॉम,
वाई ओनली कोल जी? 2G भी हो, CWG भी हो, कोल जी भी हो और जीजा जी भी हो, जिन जिन्होंने किया होगा, भाई आपको कोई आपत्ति है? नहीं ना? हाँ, जिन जिन लोगों ने उधर आपत्ति है, तो जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से लेयर ऑफ कंपनीज बनाकर किसी ने जमीन हड़प ली होगी, तो किसी ने टेलीफोन का लाइसेंस खा गया होगा, किसी ने मोरे क्षेत्र में इस प्रकार के बैंक अकाउंट खोलकर घोटाला किया होगा। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि इस प्रकार के घोटाले की स्पेशल जांच करनी चाहिए। एयरसेल मैक्सिस डील और शेल कंपनी, उसमें जो जो भी इन्वॉल्व है उसका टाइम बाउंड आप इन्वेस्टिगेशन करके संसद और जनता को विश्वास में लीजिए, यही प्रार्थना। धन्यवाद।